हेलो एवरीवन, खमा घनीसा, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के व्लॉग में और हमारे चैनल पे भी। तो आज के व्लॉग में मैं आपकी एक और रिक्वेस्ट पूरी करने वाली हूँ। बहुत से लोगों ने पूछा था कि आप अपने कपड़ों का कलेक्शन शो करो। हालांकि मैंने अपना कलेक्शन आप लोगों को दिखाया हुआ है, उसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है, लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा, सो यू कैन चेक। सोचोगे तो फिर आज फिर किस चीज़ पे बना रही हूँ मैं। तो आज मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मैं अपना रूम सफाई अभियान पे चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। तो मेरी जो कबर्ड है वो बहुत ज़्यादा मेस में फैली हुई है, एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और कन्नू भाई साहब अपने ससुराल जाने वाले हैं, बहुत टाइम से कन्नू साहब बार बार कहते हैं भाभी साहब मैं करवा देती हूँ फिर मैं चली जाऊँगी, आप अकेले क्या क्या करोगे। तो अब वो तीज पे शायद ससुराल जाएंगे, तो उससे पहले उन्होंने बोला भाभी साहब करवा ही लो, तो मैंने सोचा चलो आज कर ही लेते हैं। और आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि अपनी अलमीरा में आप कैसे अपने कपड़ों को रखते हो वो दिखाओ, तो आज मैं अपनी अलमीरा ठीक करूंगी और उसके साथ ही आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं अपनी राजपूती ड्रेसेस को संभाल के रखती हूँ। बट आज की वीडियो में मैं आपको लास्ट में सिर्फ अपनी जो कॉटन की ड्रेसेस हैं वही दिखाऊंगी कि उनको मैं कैसे केयर करके रखती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी पोशाकों को कैसे केयर करके रखती हूँ, ठीक है। तो चलो, कन्नू भाई साहब भी आ गए मेरी हेल्प कराने। ये रहे कन्नू भाई साहब, हेलो। तो अब हम दोनों मिलकर करेंगे अलमारी की सफाई। जंग गई है, जंग। थोड़ा सा दिखा देती है, बहुत ज्यादा मैस में लगा दिखाने लायक है नहीं। ओह माय गॉड, तो बहुत बुरा हाल है मेरी पूरी अलमीरा का। ये तो तूफान आ गया इसमें। मेरे सारी ड्रेसेस हैं, ये आपको अभी इतनी सी दिख रही है जब अभी फैलाएंगे ना। और अभी मेरी एक और अलमीरा तो उधर वाली बची है जिसमें मेरे डेली उसके कपड़े हैं, वो हम बाद में करेंगे। पहले जो मेरे आने जाने के मतलब थोड़े कैजुअली बाहर पहनने के है ना, जो फंक्शन वगैरह में कॉटन के, वो हम सही कर लेते हैं। और इसमें से कुछ तो ऐसी ड्रेसेस हैं मेरी जो मैंने पहनी नहीं है, पहनी है कुछ ऐसी हैं जो एक दो बार पहनी, जिन्हें 4-5 साल हो गए, कुछ ऐसी जिन्हें हाथ ही नहीं लगाए अभी तक, बस सिलवा के रख ली क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता ना कोई ऐसा मौका मिलता है। सबकी शादी ब्याह हो चुके हैं तब रेयरली कोई फंक्शन होता है। ये कपड़े हैं जिनकी फोल्ड कर चुकी है, फिर कुछ यहाँ पे हैं। तो उस अलमारी में से निकला ही इतना कबाड़ मेरे डेली यूज के कपड़े, जो कि अभी हम सारे समेटेंगे। ओहो भाई, मैं जस्ट रूम में घुसा हूँ अभी और ये रूम की देखो हालत कहीं हूँ। सेल लग रही है यहाँ पे, महासेल भाई, यह है महासेल। लूट लूट सेल, लूट सके तो लूट, पल भर में पछताएगा जब सूट जाएंगे छूट। भाई क्या है ये? अरे अभी तो और है, अभी तो और है, तो और है। और कहां से लाते हो इतना? बस हैं, भगवान ने दिया सब कुछ है। सूट है, बेस है, पोशाकें हैं। और क्या चाहिए भाई साहब? अत्ता सूट तो दुकान का मायने कौन वाला हमारे साहब? हां नहीं नहीं दुकान, और हाल तो आओ दे अलमारी और भर मिली सारी बात दिखाओ मेरी। अरे भाई साहब, अलमारी न्यारी भर मिली है और फिर आंगन सूटी। तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद शाम के 6 बज गए, हमारी जो ड्रेसेस थी सिर्फ कॉटन की उनका तो मतलब सारी तह वगैरह अच्छे से बन गई, हमने रख लिया। कॉटन की जो मेरी मतलब बाहर आने जाने में पहनने की है, और जो सिंपल जो मैं घर में पहनती हूँ तो वो हमने अलग अलग कर ली, अच्छे से जमा भी दिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो जो प्योर की ड्रेसेस हैं, पोशाक हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, और हम कल करेंगे उन सबको क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा और हम थक भी चुके हैं। तो ये है मेरी कवर्ड जो कि मैंने अच्छे से मतलब ये वो कपड़े हैं जो मैं मतलब आने जाने में जैसे कहीं छोटे मोटे फंक्शन में जाना हो या किसी और के घर पर जाना हो, किसी से मिलने जाना हो, है ना, तो आप वहाँ पहन सकते हो। तो ये वो मेरे कपड़े हैं जिसमें ये कुछ हैवी सूट्स हैं, वर्क वाले हैं, पास से दिखाने को नहीं सर। तो जैसे आप देख सकते हो ये सारे सूट्स हैं, ये मेरे हैवी वर्क के सूट हैं जिनमें मतलब कुछ ना कुछ वर्क है ना, जिन्हें आप डेली यूज़ में नहीं पहन सकते, कभी पार्टी फंक्शन में ही पहन सकते हो, ठीक है, किसी ओकेजन पे। ये दूसरी वाली जो रो मैं आपको दिखाऊंगी इसमें मेरे मतलब लाइट वेट हैं जिनमें ज़्यादा वर्क नहीं है, आप आसानी से पहन सकते हो, तो वो हैं। तो इसमें वो वाले हैं, ये रहे सारे मेरे सूट।
तो फर्स्ट रो में वो है थोड़े हैवी सूट्स हैं, सेकंड रो में थोड़े लाइट वेट सूट हैं, और जो थर्ड आपको दिख रही है इसमें ओढ़निया है। मैं यहाँ मेरी सारी ओढ़निया आप देख सकते हो, लहरी की, ये बंदेज की, मतलब जो भी मेरा कलेक्शन है वो सब है। तो आपको दिखाती हूँ मैंने फोल्ड कैसे किया है, कैसे मैं करती हूँ। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ मेरी एक लहरी की ड्रेस। दिखाऊंगी कि मैं कैसे घड़ घड़ का मतलब होता है तह करना, फोल्ड करना, कैसे मैं अपनी राजपूती ड्रेस को फोल्ड करती हूँ। वैसे सबका सेम तरीका ही होता है वैसे मेरे ख्याल से। एंड आई नो बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि उनको पता है, एंड मुझे भी पता है कि मोस्टली लोगों को पता होगा, बट ये उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है जिनको नहीं पता है कि कैसे ढंग से केयर करें और फोल्ड करके रखें। तो मैं उनके लिए शेयर कर रही हूँ। तो चलो पहले लहंगे को लेते हैं। तो लहंगा हमारा जो होता है वो पूरा इस तरीके से होता है ये, ठीक है, जिसमें 8 कलियाँ होती है, 4 कलियाँ आगे 4 कलियाँ पीछे। तो आपको इसको डबल फोल्ड करना है इस तरीके से। वैसे बहुत कॉमन फोल्ड है, सबको मेरे ख्याल से पता होगी, बट मैं कैसे कर रही हूँ वो बता रही हूँ। फिर उसको डबल फोल्ड कर दिया, उसके बाद एक बार और फोल्ड करना है आपको। तो आपको इस तरीके से इतना फोल्ड करना है, ठीक है, नाड़े को अंदर कर लेना है और इस वाले पार्ट को इस तरीके से ऐसे कर लेना है। तो हमारी जो लहंगे की फोल्ड है वो तो हो चुकी है। करते हैं कुर्ती की, ये है इसकी कुर्ती, ठीक है, एज यू कैन सी। कुर्ती की फोल्ड वैसे मेरे ख्याल से दो तरीके से होती है, मैं आपको दोनों बता रही हूँ, बट जो मैं करती हूँ वो सेकंड नंबर वाला है। तो पहला मैं आपको बताती हूँ। पहला आप ऐसे कर सकते हो, अपनी कुर्ती को इस तरीके से सीधा कर लीजिए और दोनों के डबल फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी कुर्ती को हाफ फोल्ड करना है और ऊपर से करना है। तो इस तरीके से आपकी जो कुर्ती है वो फोल्ड हो जाएगी। तो ये तो है पहला तरीका। अब मैं बता रही हूँ दूसरा तरीका, जो कि मैं करती हूँ अपनी सभी ड्रेसेस में। मैं क्या करती हूँ, आपकी ये कुर्ती है, लहंगे को साइड में कर देते हैं। तो ये आपकी कुर्ती है, इसको आपको उल्टा कर लेना है बैक, ठीक है। और मोस्टली जो टेलर होते हैं या जहाँ से भी आप स्टिचिंग कराते हो ना, वो लोग भी ऐसे ही फोल्ड करके देते हैं। तो आपने अपनी कुर्ती को इस तरीके से उल्टा कर लेना है और जो आपकी यहाँ ये बाजू होती है ना, इसकी आधा हिस्सा लेना है और इस तरीके से फोल्ड कर देना है, ठीक है। जैसे हम शर्ट को फोल्ड करते हैं ना, शर्ट या टी शर्ट को, वैसे आधा ही यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर देना है, ठीक है। उसके बाद कुर्ती का इतना सा जो पार्ट है वो फोल्ड करना है, इतना। आप चाहो तो पूरा भी डबल ले सकते हो, तो मैं इतना करती हूँ। और उसके बाद इस तरीके से इसको फोल्ड कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी कुर्ती की तह, बन गई है फोल्ड। उसके बाद बारी आती है काँचली की। काँचली इस तरीके की होती है, जो राजपूती ड्रेस होती है ना, चाहे पोशाक हो चाहे कुछ भी हो, है ना, काँचली इस तरीके की होती है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो ये जहाँ से डोरी होती है ना ऊपर वाली, काँचली पीछे से इस तरीके से होती है, ऊपर डोरी होती है दो और दो पीछे डोरी होती है, इस तरीके से बनती है। तो आपको क्या करना है, मैंने काँचली आपको बता दी कैसे होती है। तो ये दो डोरियाँ ऊपर हैं, दो डोरियाँ पीछे की तरफ नीचे होती हैं। आपको क्या करना है, इसको फ्रंट में ऐसे खोल लेना है। इस साइड जो ऊपर का कोना है ना, ये जोड़ वाला कोना नहीं, ऊपर वाला कोना, और दूसरी तरफ से भी इन दोनों को ऐसे मिला लेना है। आप इनको मिलाओगे ऑटोमेटिकली पीछे वाला मिल जाएगा। इन डोरियों को पकड़ के ऐसे आपको करना है। उसके बाद इस तरीके से इसको बिछा, मतलब इस तरीके से फोल्ड करना है। नीचे वाला हिस्सा ऐसे ऊपर आ जाएगा, डोरियाँ अंदर की तरफ आ जाएंगी और ये ऐसे फोल्ड आ जाएगा लाइक दिस। तो ये हमारी काँचली की फोल्ड भी हो गई है। अब मैं क्या करती हूँ, मेरी जो कुर्ती है इसमें हम काँचली को इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ये ऊपर वाला हिस्सा भी रख सकते हो, चाहे नीचे वाला भी, जो भी आपकी मर्जी हो। मैं इस तरीके से रखती हूँ। इस तरीके से रखने के बाद जो हमने लहंगा फोल्ड किया, सो फोल्ड किया था, उसको इतना आधा खोलना है और ये जोड़ है जिसे, मतलब कुर्ती काँचली, इसको इस तरीके से रखना है लास्ट में और इसको वापस ऐसे फोल्ड कर देना है। तो दैट्स इट, ये हमारे जो ड्रेस है इसी तरीके से, हमारी जो पोशाक होती है उसकी जो तह होती है फोल्ड, वो भी इसी तरीके से होती है। कॉमनली तो मेनली ऐसे ही होती है। और ओढ़नी की तो तह सबको ही पता होगी, लुगड़ी की कैसे होती है। तो ये लुगड़ी हो गई। तो इस तरीके से पूरे सूट को रखा जाता है नीचे इस तरीके से। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, जिनको नहीं पता था उनको, बाकी तो मोस्टली सबको पता ही होता है, ठीक है। ये जो मेरा सूट है ये मेरा लेटेस्ट है लहरी का, जो कि मैं तीज पे पहनूंगी। आप लोगों को तब इसका लुक देखने को मिलेगा और इंस्टाग्राम पे भी आपको इसका लुक मिल जाएगा, फॉलो करना मत भूलना। तो ये सब मेरे वो कपड़े थे जो मैं आने जाए, मतलब थोड़े हैवी सूट्स है ना, वो रखें। अब मैं आपको डेली वाले दिखाती हूँ। डेली वाले में से दिखाना क्या, बस दिखा देती हूँ कि भाई मैं उनको भी कैसे अरेंज करके रखें।
सेकंड अलमीरा है उसमें मैं अपनी बेडशीट्स वगैरह रखती हूँ, ठीक है। ऊपर वाला ये भी अभी ढंग से मैस फैला हुआ है, ये भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो इसमें मैं बेडशीट्स वगैरह रखती हूँ, सबसे नीचे वाले में वो भी बहुत फैला हुआ है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सबसे नीचे वाले जो रैक है उसमें मैं अपनी कुर्ते वगैरह, लेगी वगैरह जो वो सब है ना, कुर्तीज़ वगैरह वो रखती हूँ। तो जो मेरे डेली वेयर के कपड़े हैं वो मैं इस मिड वाले सेक्शन में रखती हूँ। तो ये मेरे डेली वेयर के पेटीकोट्स हैं जो मतलब सब पे चल जाते हैं, मैं सब पे चला लेती हूँ, तो ये वो हैं। और ये मेरी सारी डेली वेयर की ड्रेसेस हैं जिसमें कुछ कॉटन है, साटन है, मतलब सारी हैं। और ये मेरी सारी ओढ़नियाँ हैं इन सारे सूटों की, तो इनकी भी फोल्ड वैसे ही है सेम जैसे आपने वो देखा था। तो इन सूटों की भी सेम वैसी फोल्ड है, अंदर कुर्ती का असली लहंगे के अंदर रखती हूँ और फिर उसे इस तरीके से मैं रख देती हूँ, ठीक है। और ये सारी ओढ़नी है ताकि फटाफट आपको ओढ़नी निकालने में आसानी रहे। बेसिकली आज मैंने आपको अपना पूरा कॉटन का कलेक्शन मैं कैसे रखती हूँ वो दिखाया है, और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको वो दिखने को मिलेगा। खमा गणी साहब हमारी तरफ हूँ, आज मैं लेट आई हूँ ब्लॉग का मायने क्योंकि आज आगे स्थिति है खराब बिल्कुल। आज अलमारी ने तहस नहस कर रही, या तो तहस नहस अलमारी ने सही कर रही या सही अलमारी ने तहस नहस कर रही, वो मैंने पता को नहीं। अरे मतलब बहुत देर से हम लोग बैठे बैठे थे तो कमर अकड़ गई। कोई नहीं, कमर अकड़ गई तो आज आने थोड़ी छुट्टी दे रही हूँ मैं, क्योंकि मैं जा रही हूँ अगले कुछ ले बने, आई की इच्छा है मैं इडली खाऊँ। इडली खाई ना मोटी की इडली, तो आ की इडली खाई इडली। और इन लड़कियों ने देखो ये क्या ला रखी है, ये मेरी टॉफी है। मस्त है, पहले 25 पीस की आती है, 25 पीस नहीं 1 रुपए की 8। अब कांटा कितना क्या हुआ, टाइम पास। मेरी प्यारी मम्मी, हेलो मम्मी, कमा गणी सा। और ये मम्मी के गोल्डन हेयर्स, सोने जैसे दमकते बाल। इसने गाना गाया था ना, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, वाह धनवान है छोरी, एक तु ही धनवान है गोरी। मम्मी गोरी है ना इसलिए, बाकी सब बहुत एक्साइटेड है। इसका कारण यह है कि इसके देवर जो है वो आए हैं कतर से। अब ये बहुत सारी चॉकलेट, इसके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आए हैं। और क्यों ज्यादा, मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं भी खाऊं। एक और चीज बताऊं आप सब लोगों ने, मम्मी सरप्राइज लाए हैं, जब सरप्राइज लेके आए वहां से, बट अभी नहीं बताएंगे वो, मैं अपने आभार रिवील कर दूं क्योंकि 18 अगस्त का है नीतू का बर्थडे, और वहां से मैंने वो मंगवाया है, कुछ सरप्राइज है, बहुत शानदार सरप्राइज है और बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत ही गजब सरप्राइज मंगाया हूँ मैं, इन्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी। और सीसी भाई पूरी पताश यहाँ खा गई है, मेरे लिए भी छोड़ दे पानी थोड़ा सा मैं पीऊंगा पानी। अच्छी लगी, मैंने खाई इडली और गोलगप्पे मंगाए थे क्योंकि आज हमारी श्रद्धा भक्ति नहीं थी, हम थक चुके थे बाहर जाने की। हाँ मजा आया, पर बहुत मिर्ची है, बेजा मिर्चियां। माँ को खानो पीनो कंप्लीट हो चुके हो, और इसके लिए मैं लेकर आ चुके हूँ दूध, क्योंकि आज मैं नीचे नहीं गई, हमारे खाने की छुट्टी थी, हम सब ने कुछ ना कुछ खा लिया था क्योंकि हम थक गए थे। कोई नहीं, चाल तो रहे, छोटे मोटे काम है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आई नो ज्यादा कुछ नहीं था आज के व्लॉग में, बट आई होप इट हेल्प्स, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। तो अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। तो हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खमा गणी साहब।